दिल्ली में आज मेजेंटा लाइन का उद्घाटन हो जाएगा। लोगों के लिए इसको कहें तो एक राहत की बात जरूर है, लेकिन इसमें एक नया विवाद जरूर इस बात को जुड़ गया है क्योंकि ये मेजेंटा लाइन एक नॉलेज लाइन के नाम से भी जानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा अहम विवाद इसमें यह है कि इसमें एक मेट्रो स्टेशन जो IIT दिल्ली के पास है उसको फिटजी के कोलैबोरेशन के साथ उस मेट्रो स्टेशन को नाम के साथ लिया जा रहा है। उसको लेकर IIT की अपनी तर्क है, अपनी बातें हैं, जिसको लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट भी गए जहां वहां पर उनकी याचिका जो है वो मान भी ली गई है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ IIT के निदेशक रामगोपाल राव जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी इस मेट्रो स्टेशन को लेकर तमाम विवाद चल रहा है, क्या मेट्रो ऑफिशियल से आपकी बात हुई थी? और सर, मेन प्रॉब्लम क्या है अगर फिटजी के साथ कोलैबोरेशन में अगर वो मेट्रो स्टेशन है तो प्रॉब्लम कहां आ रही है सर? IIT एक्चुअली वो मेट्रो स्टेशन के लिए लैंड दिया गया है, IIT के लैंड पे है वो, और IIT के लैंड पे वो IIT स्टेशन होना चाहिए था, लेकिन अभी अगर आप ब्रांडिंग देखेंगे वो सब देखेंगे तो वो एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जा रहा है वो मेट्रो स्टेशन। तो IIT के लैंड पे एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो IIT स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है, अगर वो करने से ना बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, और बहुत सारा पेरेंट्स, बहुत सारा स्टूडेंट्स, वो लोग हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि वेदर IIT के साथ फिटजी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कुछ हम लोग फिटजी को एम्प्लॉय किया है क्या ट्रेनिंग के लिए, ऐसा वाला क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे बहुत सारे लोगों को मिसलीड हो रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन। सर, आपकी DMRC ऑफिशियल से भी बात हुई होगी अथॉरिटी से, तो DMRC की तरफ से भी क्या बयाना है, क्या वो तैयार है इस नाम को लेकर या अभी कुछ उनके अपने तर्क हैं? तो DMRC ने बिना IIT को कॉन्फिडेंस में लेके, वो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उससे हम DMRC अप्रोच किए थे, मिले भी थे भी उनसे, और दे आर सेइंग दैट नाउ एट दिस स्टेज नथिंग कैन बी चेंज्ड, एंड हम जो भी रिक्वेस्ट किया वो बता रहे हैं कि वो नहीं कर सकते अभी, वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं निकाल सकते, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग कोर्ट में गए उसके लिए। और सर, जिस तरीके से आप बता रहे कि पेरेंट्स और बच्चों को काफी ज्यादा कहें तो कन्फ्यूजन जरूर हो गया कि क्या कोलैबोरेशन में तो नहीं आ गया फिटजी, ऐसे में क्या क्वेरीज भी आपके पास काफी ज्यादा आ रही है बच्चों की? बहुत सारा अलमनाई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का पेरेंट्स कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, IIT में भी बहुत सारा फैकल्टी स्टूडेंट्स सब लोग, कोई भी हैप्पी नहीं है इस सिचुएशन से, क्योंकि IIT के लैंड पे कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा ब्रांडिंग करना ये सही नहीं है, और उससे इट विल बी वेरी मिसलीडिंग फॉर द पब्लिक। तो सर, अभी जिस तरीके से अब याचिका तो खैर आपकी मान ली गई है, तो अब आगे का स्टेप अब फर्दर क्या आप लोग देख रहे हैं इसमें? सभी July 10th को नेक्स्ट हियरिंग है, सो कोर्ट ने नोटिस इश्यू किए हैं सबको, और अब देखेंगे, वी आर कॉन्फिडेंट दैट कोर्ट विल टेक ए पॉजिटिव व्यू ऑफ। तो ये थे हमारे IIT के डायरेक्टर जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन का माहौल जरूर है जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से क्योंकि IIT का लैंड है, तो उसको लेकर अब जो पेरेंट्स हैं या फिर जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं कन्फ्यूजन काफी है, और मांग अब यह है कि कम से कम जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसको IIT के नाम के साथ जोड़कर एक मेट्रो स्टेशन का नाम ना दिया जाए। समय के लिए मोनिका सिंह, दिल्ली। ताजा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा।